अभी हम लोग जा रहे हैं ट्रीट ऑन स्ट्रीट पे। मेरे साथ जाएंगे साहिल भैया और हमारे डॉक्टर हिमांशु जी, साथ ही में रविंदर भैया जी भी जा रहे हैं। हम ट्रीट ऑन स्ट्रीट पे जा रहे हैं ना, कहाँ जा रहे हैं हम एग्जैक्टली? अभी कंफर्म करने जा रहा हूँ। अभी हम कंफर्म करने जा रहे हैं। साहिल भैया आप नहीं आ रहे हो ट्रीट ऑन स्ट्रीट पे? मैंने सबको बोल दिया, तो चेंज ऑफ प्लान्स है। ट्रीट ऑन स्ट्रीट पे जा रहे हैं हमारे साथ डॉक्टर हिमांशु। सर इस डब्बे में क्या है? इस डब्बे में सारी मेरी मेडिसिन है, ग्लव्स है, पट्टी है, जरूरत पड़ती है वो सारी चीजें इसमें है। और ये एक साथ में फॉर्म भी है। बागड़ू आए, एक तो सर मुझे ना इतने लंबे है ना कि हम एक फ्रेम में फिट नहीं आ रहे हैं। हम अभी बूदी सिंह जी के घर पे आए हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ है कि इनकी जो गाय है वो फिसल गई, और इनकी गाय बहुत बड़ी है, तो उसका जो जब वो फिसली तो उसका जो हिप है वो डिसलोकेट हो गया, बेचारी बहुत दर्द में है। मतलब खड़ी होती है तो इस पे भार रहने की कोशिश करती है, इसको थोड़े थोड़े लगा रही है ना, वो तो बिल्कुल नहीं लगा रही है। ये निरुकाइन इंजेक्शन है, थोड़ा सा नर्वस डैमेज हो ही जाता है एनिमल जब गिरता है ऐसे बैठता, तो इसलिए उसको थोड़ा सा कवर अप करने के लिए ताकि थोड़ा सा वो डैमेज रिपेयर हो जाए, इसलिए हम नर्व टॉनिक दे रहे हैं। ये गाय को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, अपेरेंटली ये फिसल गई थी। और एक्चुअली जिसने परसों आया था ना उसने वो शायद ओटीसी दिया होगा ना उसको, तो उसी चरा ना ओटीसी इसको तो फिसली है। सर अभी आपने फोन पे किनसे बात की? जिन्होंने सुबह ट्रीटमेंट किया था ना इनका, उनसे बात की थी मैंने। पर एक ही अगर आप जितनी देर बिठाए रखेंगे तो वो भी ठीक नहीं है इसके लिए, क्योंकि फिर आगे लग जाएंगे तो फिर वो चांस कम हो जाएंगे, फिर खड़ी होंगे, खड़ी करते रहना जरूरी है। तो मालिश के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि अलसी का तेल लेके उसमें एक टिक्की कपूर की और दो चम्मच तारपीन का तेल। भैया अब कहाँ जा रहे हैं हम? वाला केस देखेंगे, उसके बाद फिर शराब में देखेंगे। अभी हम इच्छी जा रहे हैं, इच्छी में एक डॉग है जिसको जिसका कोई वुंड है, अभी जाके हमें पता लगेगा कि एग्जैक्टली उसे क्या हुआ है। भैया आपका नाम क्या है? नाम बंटी। आपने फोन किया था ना हमें इसके लिए? हाँ जी। आपने देखा था इसका एक्सीडेंट होते हुए? हाँ जी। क्या हुआ इसको? पहले हो गया था ना, उसके बाद धीरे धीरे रिकवर है वही, आप दवाई भी लगाए थे हम, उसके बाद हुआ कहीं ना इन्फेक्शन हो जाती है। कब हुआ एक्सीडेंट? हो गया मैंने ही करा, महीने के करीब हुआ है। वो जो आपको डॉग दिख रही है ये अभी इसने इलाज करवा लिया है, अपनी ट्रीटमेंट करवा ली है, बाहर दूर जाके भाग के बैठ गई है, बहुत दर्द में है बेचारी। ठीक एक महीने पहले इसका एक्सीडेंट हुआ है, यहाँ पे बस ने इसको मारा था, एक महीने से इसको किसी ने नहीं देखा, आज फोन आया इसके लिए और इसलिए हम ट्रीट ऑन स्ट्रीट पे आए। हम अभी आए सराव गौशाला। सराव गौशाला जो है वो हमारे धनोटू से कुल 6 किलोमीटर है। सराव गौशाला में जितनी भी आवारा गायें होती हैं वो यहाँ लाई जाती हैं, तो एक तरह से शेल्टर है गायों के लिए, आवारा गायों के लिए जिन्हें निकाल दिया जाता है घर से। हाय छोटू, हेलो। ये तो छोटू सा बछड़ा है, कितना क्यूट है। नमस्ते। हम सराव गौशाला तो आए थे एक गाय को ट्रीट करने के लिए, जिसे हम 3 दिन से रेगुलरली ट्रीट कर रहे हैं। एक गाय का ट्रीटमेंट हम सराव गौशाला में कर रहे थे जो काफी बूढ़ी थी, कमजोर भी थी और उसको डायरिया लगा हुआ था। 3 दिन हो गए थे हमारे ट्रीटमेंट को, आज 4th दिन था। तो हम आए तो उन्होंने बोला कि उसकी डेथ हो गई है। पूरा जानवर वैसे भी रिकोप नहीं कर पाता ज्यादा, उससे शिकार हो जाते हैं और फिर उनकी डेथ हो जाती है। हम अभी इच्छी में हैं और मेरे साथ हैं सक्षम जी। सक्षम ने इस डॉग को रेस्क्यू किया है और अपने शॉप के बाहर ही इसको रखा है। इसका एक्सीडेंट हुआ था 1 हफ्ते पहले, आया था खुद ही और शाम को 7:30 के राउंड में शॉप बंद कर रहा था, तो इसको यहाँ बिल्कुल सामने रोड पे एक भरी हुई जीप थी वो इसके पाँव पे। ये जब रो रहा था तो डॉक्टर हिमांशु ने थोड़ा सा इसे डांट दिया और बोला कि मैं नहीं आऊंगा अब से, अब साहिल भैया आएंगे इसको
पट्टी लगाने के लिए और उसके बाद ये चुप हो गया। वाह डॉक्टर हिमांशु, पेन किलर और एंटीबायोटिक्स तो रखा हुआ है तो वो उसको खिलाते हैं ना? और इसकी ड्रेसिंग हो रही है ना रोज। बाय छोटू। इस जगह का नाम है कुटमा और जो मौसम हो रहा है बहुत ही सुहाना। यहाँ पे हम एक बैल की ट्रीटमेंट करने आए हैं जिसको हम ढूंढ रहे हैं बहुत देर से। होने वाली है बारिश जबरदस्त। हाँ जी रविंद्र भैया बताओ। अगर बैल जो है वो इसी एरिया में रहता है आज फिर से वापस जाना पड़ेगा। इसी तरह से ये लास्ट स्टेशन है उसका। ओह नो, नहीं दे रहा है इसका मतलब वो मिलेगा नहीं। अब हम वापस जा रहे हैं पर कल हमारी टीम दोबारा फिर आएगी उस बैल को ढूंढने के लिए। हम अभी ट्रीटॉन स्ट्रीट से वापस आए। हमारे यहाँ पे भी इतने सारे ऐसे जानवर रेस्क्यू होके आते हैं और हम स्ट्रीट्स पे भी कई ऐसे जानवर ट्रीट करते हैं। लोग ऐसा कहते हैं ना कि जानवरों में और इंसानों में बहुत फर्क है और फर्क है। एक चीज का फर्क तो है, वो है सहनशीलता का। जो जानवरों में सहनशीलता होती है मुझे नहीं लगता कि वो इंसानों में हो सकती है, क्योंकि हमें छोटी सी चोट लगती है, एक छोटा सा कट लगता है तो हम भी चिल्लाने शुरू हो जाते हैं। हमसे ज़्यादा दुखी और हमसे ज़्यादा दर्द में कोई नहीं होता है, लेकिन जानवरों के साथ इतना कुछ होता है, इतनी सारी तकलीफ़ों से वो गुजरते हैं फिर भी उफ तक नहीं करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है इंसानों में और जानवरों में।